जरा पाने की चाह रहे बहुत कुछ छूट सकता है, जरा पाने की चाह रहे बहुत कुछ छूट सकता है, नदी का साथ देता हो समंदर रुक सकता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बड़ी आसान दिखती है खेसारी भैया, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जोरदार ताली बजाइए और हम सबों के बीच में भोजपुरी की बहुत खूबसूरत गायिका अनुपमा यादव जी आई है जो यही गाने गा करके मंच पर हल्का मचाई है। और आजकल जो पारंपरिक यूट्यूब पर देखते हैं गोलू राजा अनुपमा यादव में हुआ था पूरा टीम जुट गई है, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ जाइए। तो ये कब से मैसेज कर रहे थे कि सारी भैया चल तो नहीं जाएंगे ना, गोलू भैया रहे ना, हमने कहा कि आराम से आ जा बाबू, सब लोग रहेंगे, एक पारिवारिक शादी समारोह है। मैं चाहता हूँ इस बच्ची के लिए एक बार जो जहाँ वहीं से ताली बजा करके स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मैं इस मंच के सम्मान में कहना चाहता हूँ कि हर फैसला होता नहीं आपकी फिल्म का डायलॉग, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर पर आशिकों को क्या पता रख देते हैं खत में कैसे उकले जा निकाल के। पहले जब मोहब्बत हुआ करता था चिट्ठी लिखाया जाता था, आज तो मोबाइल में नहाया धोया भिगोया हो गया, फेसबुक पर प्यार भाई मैसेज पर मैसेजर पर एक्सपायर हो गया। अब हम चाहें कि खेसारी भैया भी धमाल मचे हैं, अनुपमा यादव जी भी गए हैं, गोलू राजा भाई भी धूमधाम से ठुमका लगाए हैं। रोज तू बोला ही लाइन पर लोग गलत रहे, लेकिन हम चाहते हैं अब तीन गोला हो जाए तो काफी अच्छा लगे, जोरदार ताली बजाए। अब तू बोला ना तीन गोला हो जाए उत्सव देखिए, रोहित रोहित कल के सुपुत्र अभिषेक भैया के शादी उत्सव में बहुत ही अच्छा माहौल, कम ही जगह शांति माहौल मिला जहाँ माहौल मिले खेसारी भैया देखेंगे। अब हम चाहते हैं धुन बजाओ और आगे जी ये माहौल इसलिए है कि अभी तक खेसरिया कोनो वीडियो नहीं बनाओ ले जो हम आवत नहीं नताबा ले ले भाई समियाना रोहित का। हम रोहित भैया से बोले थे कि भैया कोई वीडियो मत बनाइए, भैया भी बोले कि ना बाबू हम अपने भाई को बुला रहे हैं और आपको अपने भतीजा की शादी में आना है, कार्यक्रम करने नहीं आना है, आपको नेवता करने आया है और मैं यहाँ पे आज अपने बड़े भाई के लिए अपने भतीजा के लिए आया हूँ अभिषेक के लिए, और मैं ही नहीं पूरा भोजपुरी समाज आया है यहाँ पे, एक से एक हीरोइने आई हैं, हमारी प्रोड्यूसर साहब आए हैं, खाली एक डायरेक्टर नहीं है, नहीं तो यही जी आज दूसर फिल्म बन जाता था, दूसर फिल्म मैंने वो है भोजपुरी है तूल मर्द जब खत्म तू लो हंस के अश्लील को देते रह हमरा बताते हैं। अरे हम उसे अभद्र नहीं बोलते हैं, ये लो हंस के ओकरा का अश्लील बना देता है, बुझना उना वालों। अभी एक मेरा और अनुपमा का गाना रिलीज हुआ है, शुरुआत दिखा दे कि नहीं हर में रहल हो टूटी ससुर कि पहले से जला गिले चले सुन नहीं हर में रहा ससुर जिसकी वजह से आज पूरा भोजपुरी पहचान पा रहा है। और भैया बस तेरे कि क्यों जब चले
गाना चाहते हैं बस बस यही गाना सबसे बोल सकते हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अनुपमा जब इनको देखता हूँ तो सोचता हूँ तो मुझे देवी नजर आती है। और ये गायक ही नहीं सिंगर ही नहीं इनके अंदर संस्कार बहुत ज्यादा है। अब पता ना बोलू से कहे लड़ाई हो जाला हमारा तो पता नहीं है। अब बोलू हमारा से छोट हो तो का बोले लेकिन लड़े वाले लड़के ना ही है ये बहुत उम्दा गायक है कलाकार। और आपका भी जवाब नहीं मेरा भाई जब गाता है तो पूरे अच्छे अच्छे लोगों की बात बजा देता है। आपका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ और हमेशा रहूंगा भी। लेकिन मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि अच्छे और इनके बहुत सारे गाने आप लोगों ने सुना भी होगा। फोन भैया के साथ भी इन्होंने गाया है मेरी साथ भी सबके साथ गाती हैं। और इनकी आवाज में एक जादू है जो कि सबको अपना बना लेता है। मैं प्रार्थना ईश्वर से यही करूंगा कि इस बच्ची को इतना कुछ दे देगी जब ये रोड पे चले तो दुनिया कहेगी हाँ ये अनुपमा है। बस यही कामना करता हूँ कि अपने तरफ के लोग अपने गांव के अपने शहर के लोग बढ़ते हैं तो खुद को खुशी होती है। जैसे हमारे बढ़ने से आप सबको खुशी होती है क्योंकि मैं सिर्फ एक एक रसूलपुर चट्टी का रहने वाला और मंगरू यादव का बेटा ही नहीं आज मैं पूरे भोजपुरी समाज का लाल हूँ जो कि सबकी गोद में आज खेल रहा हूँ। तो मेरे पिता ने तो सिर्फ मुझे पैदा किया लेकिन सम्मान आप सबने दिलाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार चाहे वो दुख हो सुख हो अपने भाइयों के लिए अपने पिता के लिए अपने माँ के लिए क्योंकि आज मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं आज पूरी भोजपुरी समाज की हर औरत मेरी माँ की तरह है मेरी भाभी की तरह है मेरी बहन की तरह है। तो कोशिश करता है यही आदमी की अच्छी चीजों को करके अपने लोगों के बीच में अपना सम्मान कायम रखना। काजल याद आती है जानती हो क्यों 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 का इसलिए कि इस गाने का उत्पत्ति वहीं से हुआ था। जब मैं बलमजी लव यू कर रहा था तो उसकी शादी कहीं और हो रही थी और वहीं पे एक सिचुएशन था और मैं उसके लिए गा रहा था। मुझे क्या पता था कि यह हकीकत हो जाएगी। किसी को ब्लेम नहीं लगाना चाहिए हर चीज का समय होता है। ये आज स्टेज बना हुआ है कल ये उजड़ जाएगा। ये लाइट लगी हुई है कल कहीं और लगेगी। तो इसमें दोषी कोई नहीं होता ना मैं ना आप। ये समय है सिचुएशन है जो लोगों को एक करता है और वही सिचुएशन लोगों को अलग भी कर देता है। तो कोई दोषी नहीं होता है वह समय कराता है और इंसान को इंजॉय करना चाहिए उस हर चीजों को। तू रहल दिल के करीब हो कि तहरा प्यार में पड़ गई है छपरा के करीब हो कि प्यारी रहे खैर क्रिया कसम हो कि तोहरा सिवा देखनी न के